एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं और मेरी भतीजी जा रहे हैं हम लोग बनियापुर का मेला, और आप लोग भी चलिए, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। ये सब सारे खेत हैं जिसमें गेहूं और सरसों सब लगे हुए हैं, कुछ दिनों में ये भी कट जाएंगे। ये जो रास्ता है ना, जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, ये एक रास्ता गांव से होके जाता है और एक उधर वाला रास्ता है जो वो रोड से होके जाता है हम लोगों के मार्केट की तरफ से। हेलो बोल दो। हेलो। ये मेरी भतीजी है, ये बड़ी वाली मेरी भतीजी है, इसका नाम आराध्या है। लोगों के साथ बनियापुर के मेले में मिलती हूँ। हम लोग मेले में पहुँच चुके हैं, आप इसको विंटर मेला भी बोल सकते हैं। विंटर मेला इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये हर साल ठंडियों में ही लगता है। ऐसा नहीं है कि ये 20 दिन या 25 दिन रहता है, लगभग 3 महीने रहता ही रहता है। जब शिवरात्रि का टाइम आता है तब ये धीरे धीरे हटने लगता है, इसलिए क्योंकि अलग अलग जगहों पर भी मेला लगता है शिवरात्रि के टाइम पर। यहाँ हर चीज़ का एक अलग अलग सेक्शन होता है जिससे लोगों को लेने में बहुत आसानी होती है। अगर आपको मसाला लेना है तो उसका सेक्शन अलग होगा, आपको अगर आपको ठंडी का सामान लेना है तो उसका सेक्शन अलग होगा, अगर आपको लोहा लकड़ी का सामान लेना है तो उसका भी अलग होगा, फर्नीचर का सामान लेना है तो अलग होगा, और जहां आपको झूला झूलना है तो उसका भी अलग होगा। इसलिए लोगों को आसानी भी होती है। यहाँ का सबसे फेमस अगर कोई चीज़ है तो लोग बनियापुर के जलेबी को बहुत याद करते हैं, क्योंकि जलेबी यहाँ का फेमस है। और आप बनियापुर के मेले में आइए तो जलेबी ज़रूर लीजिए। अगर आपको इस मेले में आना है तो संडे छोड़ के बाकी किसी भी दिन आइए, क्योंकि संडे के दिन बहुत काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है और बहुत ज़्यादा रश होता है। इससे पहले मैं एक बार आई थी, संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, लेकिन हम लोगों ने ज़्यादा घूमा नहीं, इसलिए क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा था कि उसकी रश की वजह से हम लोग वापस चले गए, हल्का फुल्का घूमा और वापस चले गए। हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ सामान खरीदा जो मैं आपको घर जाने के बाद दिखाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तब तक आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए और आप लोग भी एंजॉय करिए। ये है मेरा सबसे फेवरेट फूलों का सेक्शन, जहां आम के पेड़, हर तरह के फूल सब मिलते हैं। यहाँ बहुत सारी चूड़ियाँ थी, मम्मी चूड़ियाँ देख रही थी तो मैंने सोचा मैं भी देख लेती हूँ। इस तरफ सारा डेकोरेशन का सामान था, यहाँ टेडी बियर, फ्लावर पॉट और डेकोरेशन का बहुत सारे सामान थे, की रिंग, चाबी, पूजा पाठ का हर चीज सामान मिल रहा था। यहाँ था पर्स का सेक्शन, यहाँ पर सब जितने भी थे सब पर्स लगे हुए थे, और धीरे धीरे हम लोग जा रहे थे बच्चों को लेके झूला झूलाने के लिए। यहाँ बच्चे झूला झूल रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। इस बार रोड की इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा झूला लगा था और उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा झूला लगा था। बच्चों को झूले का काफ़ी शौक़ होता है तो इन लोग झूल रहे थे, तब तक मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो मैं वही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी। अब आती है बारी पेट पूजा की, तो यहाँ बच्चे पेट पूजा कर रहे थे और मैंने भी खाया, और यहाँ जलेबी नहीं लिया तो क्या लिया है, मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था। यहाँ हम लोग जलेबी ले रहे थे
और जलेबी लेने के बाद यहाँ से जाने की अब बारी आती है। हम सब लोग मेला घूम चुके हैं और जा रहे हैं अपने घर की तरफ, और घर जाके आप लोगों से मिलते हैं। हम सब लोग मेला से आ चुके हैं और मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था, और जो जो मैं सामान लेके आई हूँ बनियापुर के मेला से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चल है जो हम लोग लेके आए थे। और ये ट्रे है ऐसे ही छोटा वाला, और इसमें है स्वेटर, इसमें है स्वेटर बच्चों का, और ये है टोपी, और ये है बड़ा वाला प्लेट जो कथा पूजा में काम आता है, ऐसे ही हम लोगों ने खरीद लिया। ये थी छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों ने मेला से ख़रीदा था जो मैंने आप लोगों को दिखाया। और मेरा वीडियो कैसा आप लोगों को लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कॉमेंट करिए।